स्कूलों को खोलने के लिए आदेश दे दिए हैं, जिसके लिए अब शिक्षा विभाग निजी और सरकारी स्कूलों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहा है, ताकि जब स्कूल खुलें तो उससे कोरोना संक्रमण अपने पैर दोबारा से जिला में ना फैला पाए। इसके लिए विभाग द्वारा सभी स्कूल नियमों का सख्ती से पालन करें, ये आदेश दिए गए हैं। ये जानकारी उच्च शिक्षा विभाग उपनिदेशक योगेंद्र मैकअप ने मीडिया को दी है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा कई स्कूलों का औचक निरीक्षण भी किया जा रहा है और स्कूलों की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। स्कूलों में अगर कोई कमी पाई जा रही है तो उसे आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। अधिक जानकारी देते हुए उच्च शिक्षा विभाग उपनिदेशक योगेंद्र मैकेक ने कहा कि काफी लंबे अंतराल में स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है, जिसमें 6ठी से 12वीं कक्षाओं को लगाने के आदेश दे दिए गए हैं, जिसको लेकर सभी स्कूलों को सूचित कर दिया गया है। सभी स्कूलों को आवश्यक दिशा निर्देशों का अनुसरण करने के लिए कहा गया है। स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग हो और सैनिटाइजर का उचित प्रबंध रखने के लिए कहा गया है। जहाँ कक्षाओं में संख्या अधिक होगी, वहाँ स्कूलों को शिफ्टों में स्कूल लगाने की सिफारिश की गई है। अगर विद्यार्थी या अध्यापक शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, उन्हें स्कूल आने की अनुमति नहीं होगी। अभी शुरू में तो ये जब समर क्लोजिंग स्कूल्स शुरू हुए थे उसमें तो 8वीं से 12वीं तक की सभी क्लासेस रेगुलरली लग रही थी। अब 15 से क्योंकि विंटर क्लोजिंग स्कूल्स को भी अब इनको खोलने के आदेश हुए हैं और इनमें अब 6ठी से 12वीं तक की सभी क्लासेस जो हैं वो चलेंगी। जो नियमावली है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसका पूरी तरह से पालन होगा। और ये भी आग्रह है कि जो बच्चा बीमार है या उसको बुखार है या उसको ज़रा से भी तबीयत उसकी नासाज है तो वो ना आए, ऐसा अभिभावकों से भी अपील रहेगी कि वो उन बच्चों को ना भेजें। और बाकी पूरी एहतियात के साथ विद्यालयों को खोलने के निर्देश भी दिए हैं और साथ ही साथ एक और निर्देश भी सभी स्कूलों को दिया है कि जो टीचर्स टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग स्टाफ में अगर किसी के अंदर ज़रा सा भी बुखार है या ऐसे सिम्टम्स लगते हैं कि सूखी खांसी है, जुकाम है, वो भी अपना कोविड टेस्ट करवाएं, तभी वो विद्यालय में आए। तो जो स्कूल्स हैं ये सिर्फ सरकारी स्कूल्स के लिए आदेश हैं या नहीं? ये सभी स्कूलों के लिए हैं, पर मैं तो सरकारी स्कूलों की मुख्यतः बात करूंगा, पर ये सभी स्कूलों के लिए, सभी स्कूल अब खुल जाएंगे। देखो ये माइक्रो लेवल पर स्कूल्स ने प्लान किया हुआ है, जिस जैसी उस स्कूल की स्थिति है, जैसे अगर उसके पास अकोमोडेशन बहुत कम है तो उसको शिफ्ट में या अल्टरनेट डेज में भी कर सकता है। लेकिन ऐसी हमारे जिले में कोई ऐसी ज्यादा ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई ओवर क्राउडेड क्लास है कोई, तो वो अपना अपने विद्यालय का एक अपना ऐसा प्लान हमारे को बताए कि जहाँ उसको संभव नहीं है तो उसको कुछ रियायत दी जा सकती है, वो अल्टरनेट डेज भी कर सकता है।